हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। जी हां, फिर से आ गए हैं हम एक नए वीडियो के साथ। और ये हम आज के इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, यानी जिनसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल डिस्कस सम ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर मोस्टली अराइज। वहाँ पे ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज बेसिकली हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व योर डाउट्स। हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो। एंड वी आर मेकिंग वीडियो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MNS 21 एज वेल। तो हम हर तरीके से आपकी एक हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टडी मंत्रा इज़ नथिंग विदाउट यू ऑल। हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। भाई देखो, एक स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसे चलता है, टीचर्स का तो होना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही ज़रूरी है। यानी हम हैं, आप हैं, आपकी वजह से ही वी आर स्टैंडिंग है। और अगर वी आर स्टैंडिंग है, सो वी आर डूइंग अवर बेस्ट दैट वी कैन गाइड यू इन अ प्रॉपर वे। अगर हम यहाँ हैं तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपको एक सही दिशा में गाइड कर सकें। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ऐसे बच्चे जो MNS 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन कोर्सेज। वो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल गेट ऑनलाइन क्लासेस ऑन गूगल मीट ऐप, एज वेल एज यू विल गेट PDF नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। ओके, तो यू विल गेट अवर नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको हमारा नंबर कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नंबर कहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबके मन में ये डाउट रहता है कि यार, इंटरव्यू चलो अच्छे से तैयार हो गए, ड्रेस वेस मतलब फटाक से बहुत अच्छे लग रहे हैं, वी आर लुकिंग गुड गुड गुड, कंफर्टेबल भी हैं अपने ड्रेस के साथ, यानी जो भी हमने फॉर्मल्स डाले हुए हैं उसमें बहुत कंफर्टेबल हैं, वी हैव डन वेल इन अवर रिटन एग्जामिनेशन और सब कुछ प्रिपेयर हो गया है, इंटरव्यू की डेट भी आ गई है, इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में, वो क्या होते हैं कि यार, इंटरव्यू तो देने जा रहे हैं, क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्या पढ़ें, क्या क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ दें, क्या करें, ये आएगा, करंट अफेयर्स तो नहीं पूछे जाएंगे, लाओ डेली न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, कुछ एकेडमिक्स तो नहीं पूछा जाएगा, चलो फटाफट वो देख लेते हैं, कुछ हॉबीज़ ही तो नहीं पूछा जाएगा, लाओ उसके 5 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं, या फिर कुछ फैमिली बैकग्राउंड से 5-6 क्वेश्चन उसके भी तैयार कर लें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बल्क क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। तो माई डियर MNS वॉरियर्स, इंटरव्यू इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट। ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, दिस इज़ एन IQ टेस्ट। ये आपका IQ टेस्ट होता है, दे विल चेक योर IQ लेवल देयर, दे विल चेक योर स्मार्टनेस। स्मार्टनेस आपके कपड़ों से नहीं, दे विल चेक योर टैलेंट, वो आपके टैलेंट को चेक करते हैं, दे विल चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, दे विल जज ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनालिटी। आपके पर्सनालिटी के हिसाब से आपको जज करते हैं। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि आपने यू आर वेयरिंग सो मच एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड यू आर हैविंग अ वेरी गुड पेयर ऑफ फुटवेयर्स एंड देन यू आर लुकिंग स्मार्ट। नो, पर्सनालिटी मीन्स दैट हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, हाउ मच यू आर यूजिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ मच यू आर लॉजिकल विद योर आंसर्स एंड आर यू सेटिस्फाइंग द पैनल मेंबर्स विद योर आंसर्स और नॉट।
ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे वो आपको जज करते हैं। यानी इंटरव्यू में क्या होता है, क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। क्या पूछने वाले हैं इंटरव्यूअर पैनल मेंबर्स आपसे, कौन सा क्वेश्चन आपके सामने फेंकने वाले हैं आपको नहीं पता, एंड दे आर फ्री टू आस्क यू एवरीथिंग। वो आपसे कुछ भी पूछने के लिए फ्री होते हैं। आप सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में ये आता है कि हम गए तो इंटरव्यू के लिए, ठीक, इंटरव्यू के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारे बारे में पता कैसे होगा, हम तो खाली आ जाएंगे, एकेडमिक्स वो कैसे जानेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कैसे होगी, क्या फेस करेंगे हम इंटरव्यू में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बता दूं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दे हैव बीन सबमिटेड देयर, वहाँ पे सबमिट हो जाते हैं, उनके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें सबमिट कर दोगे वहाँ, फिर वो आपके एक फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं, फ़ाइल मेंटेन करते हैं, वो फ़ाइल आपके इंटरव्यू रूम में जाने से पहले पैनल मेंबर्स के पास पहुँच जाती है। यानी आपके एंटर करने से पहले आपका की फ़ाइल उनके पास पहुँच चुकी होती है, उस फाइल में आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स, आपकी फैमिली की डिटेल्स, साथ ही साथ आपकी एकेडमिक डिटेल्स, आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि जैसे ही आप सेंटर पे जाते हो इंटरव्यू के लिए, आपको पूरा एक फॉर्म टाइप का दिया जाता है फिल करने के लिए, उसमें आप सारी डिटेल्स फिल करते हो, तो वो फाइल वहाँ पे पहुँचाई जाती है, आपके एंटर करने से पहले ही वो फाइल उनके पास होती है, उस फाइल को वो देखते हैं, जज करते हैं और उसी से आपसे क्वेश्चन अराइज करते हैं। आप उस फाइल में ऐसा क्या होता है और किस किस बेस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बच्चों फिर बता दूँ, दिस इज़ एन इंटरव्यू, ये क्या है, एक इंटरव्यू है, एंड दिस इज़ अ पैनल इंटरव्यू, ये क्या है, एक पैनल इंटरव्यू है। देयर विल बी अ पैनल ऑफ 4 to 5 मेंबर्स, एक 4 से 5 मेंबर का पैनल होगा। देयर विल बी MNS officers who will be taking your interview, वहाँ पे MNS officers होंगे जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, एंड अ साइकोलॉजिस्ट विल बी देयर, एक वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी होंगे। साइकोलॉजिस्ट विल जज योर साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, आपकी साइकोलॉजी को जज करेंगे, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करेंगे। कई सारे क्राइटेरियाज पे आपकी IQ लेवल को जज किया जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को जज किया जाएगा। बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं। थंबनेल से पता ही चल गया होगा, थंबनेल से वीडियो के, कि आज हम क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो बेटा बता दूं, क्वेश्चंस दे आर फ्री टू आस्क यू एनीथिंग, वो फ्री होते हैं आपसे कुछ भी पूछने के लिए। दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड विद एनी टॉपिक, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं, कि आप पिछले साल क्या कर रहे थे, आप आगे आने वाले सालों में क्या करोगे, खुद को कैसे इमेजिन करते हो, कैसे देखते हो खुद को, कहाँ स्टैंड पाते हो, कहाँ पर देखते हो खुद को आज से 4-5 साल बाद। यानी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपके एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं, आपने अपने एकेडमिक्स में कैसा परफॉर्म किया है उससे रिलेटेड होते हैं। साथ ही साथ आपकी हॉबीज़ क्या हैं, कई बार क्वेश्चंस उससे होते हैं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद है तो वो क्यों पसंद है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके फैमिली बैकग्राउंड से भी पूछे जाते हैं। लाइक इफ़ यू आर हैविंग 4 मेंबर्स, जस्ट मीन सपोज आई एम हैविंग अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स है, मी, माई माँ, माई पापा एंड माई अ यंगर सिबलिंग। तो वी आर हैविंग अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, हमारी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो दे कैन आस्क यू द रिलेशन बिटवीन मी एंड माई फादर, वो हमारे मेरे और मेरे पापा के बीच में कैसा रिलेशन है, वी आर मीन्स ही इज़ सपोर्टिव टू मी और नॉट, और आई एम ओपन टू हिम और नॉट, आई कैन शेयर माई थिंग्स विद हिम और नॉट। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी वहाँ पे हो सकते हैं, या फिर मेरी मम्मी के साथ कैसा रिलेशन है, हम अपने जितनी भी आपस में बातें हैं वो शेयर करते हैं या नहीं, कैसे क्या करते हैं। इसके बाद मेरा भाई के साथ मेरा कैसा रिलेशन है, लाइक
आई एम हेल्पफुल टू हिम और नॉट, या फिर मेरे जो जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर जितनी भी बेस्ट फ्रेंड्स, या एक है आपके बेस्ट फ्रेंड, दो हैं, वॉट एवर, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। हॉबीज़ की बात हो गई, एकेडमिक्स की बात हो गई, फैमिली बैकग्राउंड की बात हो गई, साथ ही साथ वो आपकी साइकोलॉजी को जज करने के लिए ये पूछते हैं कि वाई ओनली MNS, सिर्फ MNS ही आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज, देयर आर एन नंबर ऑफ सर्विसेज टू ज्वाइन, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, सो वाई यू आर डिटरमाइंड फॉर MNS ओनली, तो फिर आप MNS के लिए ही क्यों इतना डिटरमाइंड हो, क्यों, वाई? आपको अपने इस वाई के आंसर के साथ उन्हें सेटिस्फाई करना होता है। बस एक बार आपने उन्हें इस वाई के आंसर के साथ सेटिस्फाई कर दिया, देन यू डिड वेल, आपने अपना बढ़िया कर दिया। अगर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आपके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, दे जनरली आस्क यू सेकेंडरी और टर्शियरी क्वेश्चंस। वो जनरली क्या करते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी क्वेश्चंस भी पूछते हैं, यानी वो आपसे तब तक क्वेश्चंस पूछते हैं जब तक वो एक कंक्लूजन पे ना पहुंच जाएं, दैट वेदर यू आर अ कैपेबल कैंडिडेट और नॉट, कि या आप एक कैपेबल कैंडिडेट हो जिसे वो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो जब तक एक कंक्लूजन पे वो नहीं पहुंचते हैं, तब तक आपसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं उन कैटेगरीज के बारे में बेसिकली जिनसे क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर क्वेश्चंस रिलेटेड विद एकेडमिक्स वेल, आपको आपकी एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। यू हैव टू प्रिपेयर योर द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड विद योर फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको आपकी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आप सिर्फ MNS ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ये क्वेश्चन तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है और आपको ज़रूर इसका आंसर एक अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। ये हो गई वो पांच चीज़ें जो आपको प्रिपेयर करनी है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट ना करिएगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मुझसे भी वहाँ पे एक दो, मतलब करंट में जो घटनाएं चल रही थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। लकीली कर्नाटका में उस टाइम इलेक्शंस चल रहे थे और पूछा गया था कि कर्नाटका में किसकी गवर्नमेंट बनी, तो येदुरप्पा जी का नाम उस टाइम मुझे याद था। आई वॉज अपडेटेड विद हिज नेम, मुझे उनका नाम याद था एंड आई आंसर्ड करेक्टली, मैंने वो क्वेश्चन सही आंसर दिया था एंड देयर वॉज अ स्माइल ऑन द फेस ऑफ साइकोलॉजिस्ट। आई एम रिमेंबरिंग टिल नाउ, मुझे अभी भी याद है, मैं कभी कभी उसको याद भी करती हूँ कि देयर वॉज अ वेरी वेरी, वो होता ना कि एक बहुत खुशी वाली स्माइल होती है, वेरी जेंटल स्माइल वॉज देयर ऑन हिज फेस आफ्टर लिसनिंग माई आंसर सर येदुरप्पा। तो विद इन अ सेकेंड जैसे ही उन्होंने अपना क्वेश्चन ख़त्म किया ना, आई हैव आंसर्ड सर येदुरप्पा जी, तो देयर वॉज अ जेंटल स्माइल ऑन हिज फेस एंड येस आई कैन रिमेंबर हिज फेस नाउ ऑल्सो, तो दैट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो करंट अफेयर्स से भी आपको अपडेटेड रहना है, करंट अफेयर्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके मत चलिएगा। साथ ही साथ ये वो छः पॉइंट्स हो गए जो आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा आपको क्या प्रिपेयर करना है, अपने एकेडमिक से भी, मतलब आपका जो सिलेबस है MNS का, ये मत सोचिएगा कि एक बार पेपर दे दिया तो आप ख़त्म करके रख देते हैं, अब उनसे कभी कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है, सब जस्ट इमेजिन कि यू आर सेइंग दैट यू आर गुड एट मैथ्स या फिर यू आर गुड एट बायोलॉजी, आप बायोलॉजी में बहुत अच्छे हैं एंड रीडिंग द बुक्स रिलेटेड विद बायो और समथिंग एल्स इज़ योर हॉबी, तो दे कैन आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड विद बायोलॉजी, वो आपसे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना भी आपका सिलेबस है या फिर जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक बार उनको, वो कहते हैं ना बाबा जी की बूटी तैयार या फिर पोथी पंडित जी की तैयार, उसको बंद करके रख दिया, ये काम मत करिएगा। ज़्यादा पढ़ने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा टच में बने रहिएगा कि इफ़ क्वेश्चन भी अराइज होता है देन यू आर एबल टू आंसर, अगर क्वेश्चन उनसे अराइज भी होता है तो आप आंसर दे सको। ये 6-7 पॉइंट हैं जो जनरली आपको प्रिपेयर करने होते हैं।
इसके अलावा आप जहाँ से बिलोंग करते हो, दैट इज़ योर नेटिव प्लेस, आपका नेटिव प्लेस क्या है, उसकी हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस क्या है, वहाँ पे टूरिज्म कैसा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको आपके नेटिव प्लेस के बारे में पता होनी चाहिए. आपका नेटिव प्लेस क्या है, वहाँ की फेमस क्या चीज़ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, या फिर वहाँ का कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ है, कोई डिफरेंट आर्ट फॉर्म है, कोई डिफरेंट डांस फॉर्म है जिसके लिए वो स्टेट या वो डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है. आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. यानी ओवरऑल आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, बहुत सारी चीज़ें. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका आंसर मैं दूं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं इनके अलावा, लाइक वी आर मेकिंग वीडियोज़ ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, हम हर एक टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं एंड वी आर हेल्पिंग यू. तो अगर इनके अलावा भी आपके माइंड में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके जो आप चाहते हैं कि मैं एक बार क्वेश्चन पूछूं या फिर कुछ ऐसा वीडियो मिल जाए जिससे एक्सप्लेन हो जाए, क्लियर हो जाए कुछ, तो यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट. आप अपना जो भी डाउट है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं. फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, बिल्कुल फ्री फील करिए कुछ भी पूछने के लिए. यू कैन शेयर योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल, कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया कि इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो तो इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले आप क्या क्या होता है वहाँ पे. साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि कैसे किन किन पॉइंट से जनरली आपके क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं. तो हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे और उनसे जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं वो भी बताएंगे और उनके क्या आंसर्स होने चाहिए वी विल ऑल्सो डिस्कस. बट वी विल डिस्कस वन बाय वन, हम वन बाय वन चलेंगे और हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं. वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं. बच्चों वी आर डूइंग अवर बेस्ट, हम अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग अवर हार्ड वर्क सो दैट यू कैन बी एन एमएनएस ऑफिसर्स, यू कैन हैव योर ओन यूनिफॉर्म विद दो शाइनिंग स्टार्स. और ऐसे एमएनएस कैंडिडेट, ऐसे एमएनएस वॉरियर्स दो जो 2021 में अपना एग्ज़ाम देंगे, वी आर वेलकमिंग, वी आर वेटिंग फॉर यू. यू कैन गेट अवर नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू. जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या फिर आपको किन किन टॉपिक्स पे कैसे कैसे प्रिपेयर करना है. Thank you so much everybody. Thank you so much.